ओके हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेटेस्ट नेक डिज़ाइन बताएंगे। ये हमने बकरम ली है, ये हमने 10.5 इंची चौड़ी और 13.5 इंची लंबी बकरम ली है। इसे हम सबसे पहले फोल्ड करेंगे। अब हम आपको बता दें, हमारे गले की लंबाई है 6 इंची। इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। 6 इंची में यहाँ मार्क लगाएंगे और 2.5 इंची हम और मार्क लगाएंगे। ये हमने 2.5 इंची और मार्क लगाया है। अब हम आपको बता दें, हमें गले के ऊपर की चौड़ाई हमें 2.5 इंची देनी है, नीचे भी हम 2.5 इंची देंगे। अब इंची टेप को हम इस तरीके से सीधा लेंगे, यहाँ भी ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ भी ऐसे पकड़ेंगे। अब यहाँ से हमने इस जगह से, यहाँ से हमारे गले की लंबाई ओरिजिनल लंबाई है, यह हमारा एक पैच लगेगा, इसलिए हमने 2.5 इंची हम इसे बढ़ती दी हुई है। हम आपको दिखा दें, इसे हमने 2.5 इंची बढ़ती दी हुई है। तो यहाँ से हम इसकी गोलाई लेंगे, देखते रहिए दोस्तों, यहाँ से हमें इसकी गोलाई ली है और इसे यहाँ पर 1/2 इंची चौड़ाई देकर हम इसे काटेंगे। यह होगी हमारी 1/2 इंची की चौड़ाई। तो यह हमारा मार्क लग गया है। अब हम आपको बता दें, अब हमें गले के साइड में कट वर्क मार्क लगाना है। यह कटिंग मार्क हमें लगाना है, गोल जो हमारा कटिंग मार्क होता है, ये कटिंग मार्क हम लगाएंगे। इस तरीके से हमें कटिंग मार्क लगाना है। इस तरीके से हमें गोलाई यहाँ पर दे देनी है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा मार्क लग गया है। अब हम इसे काटेंगे। पहले हम यहाँ पर काटते हैं इसे। अब यहाँ पर हम इसे काटेंगे। लोड आ रही है पूरी। देखिए दोस्तों, हमारा गला इस तरीके से कट गया है। अब हम इसे काले कपड़े में चिपकाएंगे। यह हमारा काला कपड़ा हो गया। अब इसमें हमें गले को इस तरीके से चिपकाना है। तो ये हम प्रेस से इसे चिपकाएंगे। तो चलिए हम प्रेस में इसे चिपका कर आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमें गले को चिपकाना है। तो चलिए दोस्तों, हमने पेस्टिंग को काले कपड़े में इस तरीके से बैठा दिया है। अब हम इसे चिपकाएंगे आयरन से, हमें इसे इस तरीके से चिपकाना है दोस्तों। इस तरीके से हमें इसे पेस्टिंग को चिपका लिया है। अब हम इसे काटेंगे। काटने से पहले हम आपको बता दें, ये पेस्टिंग से हमें 1/2 इंची मार्जिन रखकर हमें इसे काट देना है। तो चलिए काटते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसे इस तरीके से काट लिया है। अब जहाँ जहाँ हमारा कट लगा हुआ है, वहाँ पर हमें इस तरीके से खुटके मारेंगे ताकि हमें मोड़ने में दिक्कत ना हो। अब इसे हम इस तरीके से मोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, हमें इसे इस तरीके से मोड़ना है।
देखिए दोस्तों, हमने ये बकरम को चिपका लिया है। अब हमें क्या करना है, इस गले को हम इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर हमें खुटका मारना है। इसमें खुटका मार दिया हमने, अब हमें इसमें भी खुटका मारेंगे। अब हम इसे खोलेंगे और ये हो गया हमारा उल्टा भाग। उल्टे भाग में हम इसे बैठाएंगे इस तरीके से। ये हमारा इस तरीके से बैठेगा। यहाँ हमारा खुटके को मिला देना है और इसमें सिलाई देंगे। अब इधर सिलाई मारें। अब इसे हम 1/2 इंच मार्जिन रखकर काट देंगे। यहाँ पर खुटका मार दिया हमने, यहाँ भी मार दिया। ये हमारा हो गया है, अब इसे हम पलट देंगे। अब हमें यहाँ के अंदर का डिजाइन बनाना है और यहाँ पर हमें जो पैच पड़ेगी वो हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये बकरम ली है, इसे हम इस तरीके से काटेंगे। इसे हमने डबल फोल्ड लिया है। इस तरीके से हमने लिया है, इसे हम आयरन से चिपका लेंगे। दोस्तों, इसे हमने चिपका लिया है। अब बकरम के किनारे किनारे हम ये भी मार्जिन काट कर हटा देंगे। यहाँ पर हमारी पैपिंग निकलेगी। इसे हम काले कपड़े को इसके नीचे बैठाएंगे। जितनी चौड़ी हमें पैपिंग देनी है उतनी ही हमें यहाँ पर सिलाई देनी है। अब इसे हम काटेंगे। यहाँ खुटका मारेंगे। अब इसमें हम पैपिन निकालेंगे। ये देखे दोस्तों, हमने पैपिन निकाल ली है। अब इसमें हम सिलाई देंगे। यह हमारा पैच हो गया। अब हम यहाँ पर जो हमारा डिजाइन बनेगा उसके भी हम बना लेते हैं। डिजाइन बनाने के लिए हमने ये छोटे छोटे टुकड़े काटे हैं जिसमें हम डिजाइन बनाएंगे। किस तरीके से बनाना हमें डिजाइन, हम आपको बता देते हैं। अब हम एक थोड़ा टुकड़ा लेंगे, ये हमारी लंबाई का होगा थोड़ा सा, इसमें हम सिलाई देंगे। अब हम बारी बारी से इस कपड़े को बैठाते जाएंगे। एक हमने ये कपड़ा बैठाया है, एक हमने इस तरीके से, इसमें भी सिलाई देंगे। फिर एक कपड़ा पकड़ेंगे, फिर यहाँ इसे पकड़ेंगे।
इस तरीके से दोस्तों हमने ये डिजाइन बना लिया है। अब हम इसे गले के डिजाइन के अंदर इसे चिपकाएंगे। ये हो गया हमारा गला, अब हमें इसे इसके अंदर रखेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमें इसे इसके अंदर रखना इस तरीके से। अब हम यहाँ पर पैच को भी लगा देते हैं। यह हमारा पैच इस तरीके से लगेगा। 6 इंची गला हम यहाँ पर रखेंगे, सीधा नापेंगे। ये इस तरीके से हमारा पैच बैठ जाएगा। तो चलिए इसे बैठाते हैं। तरीके से बैठ गया है। अब हम इसे में सिलाई देंगे। हमें सिलाई यहीं से स्टार्ट करनी है। इसे हम यहाँ पर बांध देंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसे इस तरीके से पैच को लगा लिया है। अब हम ये सिलाई जो हमारी यहाँ तक मारी थी, इसे हम मिलाएंगे। अब हम यहाँ पर इसे सिलाई देंगे। ये देखे दोस्तों, हमने ये गला बना लिया है। अब हम इसमें बटन लगाएंगे। बटन हमें किस तरीके से लगाने हैं? एक बटन हमारा यहाँ रहेगा और एक बटन हमारा यहाँ रहेगा और एक बटन हमारा यहाँ रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये डिजाइन कैसा लगा? आप हमें ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।